वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सचखंड श्री हरिमंदर साहब के पवित्र सरोवर नूं जाण वाली नहर की कार सेवा इतिहास च पहली बार शुरू हो जा रही है। 1920 दे विच होण च आई इस नहर तो बाद पहली बार जरा है कि हुण इहदी कार सेवा की जाएगी। सब तो पहले असी उस धर्म दे नाल जुड़ी एक आस्था दे नाल जुड़ी इस नहर दे तुहानू दिखा रहे हाँ कि फिलहाल ये नहर दे विच पानी नहीं है, नहर बिल्कुल सुक चुकी है क्योंकि दरअसल पिछे कुछ इहदी रिपेयर का काम चल रहा है। लेकिन नहर दे जिहड़ा जमीनी पद्धर है उत्थे हालात बहुत माड़े ने। तुसीं देख सकते हो कि इत्थे जिहड़ा है काफ़ी तरह का कोई गंद जिहड़े ने इत्थे पिया है। अते नाल नाल इक गल असीं फिर जो पिछले लंबे समय तो मुद्दा चुक रहे हैं कि धार्मिक गंदगी जिहड़े कि कुछ लोग अपने उपा करन वास्ते इस तरह की चीज़ा जिहड़ियां इस जगह सुट जाते हैं तो वह जिहड़ियां चीज़ा इत्थे पईयां रहिंदियां ने ते जिहदे दी जिहड़ी पानी नूं गंदला करती है तो वह गंदगी जिहड़ी है सारी उस सफाई का जरा जिम्मा बाबा अमरीक सिंह हणा नूं मिलिया है जो कि लंबे समय तो इस नहर की रखवाली कर रहे ने, कार सेवा भी कर रहे हैं। तो नाल नाल सचखंड श्री हरिमंदर साहब नूं जाण वाली जिहड़ी हंसली है क्योंकि जिस गेट तो पानी जरा है सचखंड श्री हरिमंदर साहब नूं जाता है वह यह दरवाज़ा है। इतों की जरा पानी एक जगह पर स्टोर किया जाता है तो उस तो बाद अगे पानी सचखंड श्री हरिमंदर साहब के पवित्र सरोवर में जाता है। तो साढ़े नाल बाबा अमरीक सिंह जी मौजूद ने ते होर भी जिहड़े उन्होंने नाल संगत ने जिन्हों वालों इस सेवा निभाया जाना है। तो सब तो पहले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की इस जे नहर की अगर गल करिए इतिहास तो अभी जानते हाँ पर हूँ किमें यदि सेवा की जाएगी तो की सचखंड श्री हरिमंदर साहब के ना इस नहर का योगदान है और इस नहर का मालक भी जी साढ़े बड़े देर ने सिख ने महापुरखों ने इस नहर और जो प्रोपर्टियां बना के साढ़े पंथ में सौंपिया ने तो अपनी कुरबानियां करके अपनी सेवा भावना चीज़ा बना के चले गए दुनिया तो उतों। लेकिन यह जुम्मा साढ़े ते आ गया हूँ इतने जो इसकी का इस नहर जिंदगी है लोग धार्मिक आस्था रख के इतने बहुत कुछ जिंदगी पाई जाते हैं और असी बेनती करते हैं एक तो ये वाली चीज़ा पिछे ना गंदगी ना पाई जाए। लेकिन ये दास वालों नहर की सफाई भी और श्री हरिमंदर साहब वाल जाण वाले जल की जो हौद नमूना है हंसली है वो कार सेवा भी की जा रही है जिसकी ड्यूटी मार्ज रखी गई है जिस आरंभता वेले सिख संगत में असं अपील करते हैं कि वह तो वह आ के सेवा च सहयोग देना। जिद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बीबी जगीर कौर जी प्रधान श्रोमणी कमेटी श्री जहेदार अकाल तख्त साहब के भी जहेदार भी इतने संगतों में दर्शन करेंगे। सो साढ़े वाले बेनती है जी नहर की साफ सफाई है आप जी देख ही रहे हो कि इन्ना कुछ होने के बावजूद भी साढ़े च साफ सफाई नहीं संगत नहीं करते। असी यदि हम साफ सफाई वास्ते जिम्मा लिया कि जिते लोग गंदगी पाते हैं असी सरकार को भी बेनती की है और संगतों भी बेनती की है कि इस गंदगी ना पाई जाए और साफ सुथरा रखा जाए क्योंकि यह नहर आस्था के नाल जुड़ी हुई है। स्पैशल श्री हरम किसी जमाने किस स्पैशल श्री हरिमंदर साहब के अमृत सरोवर वास्ते बनाई गई सी। यह नहर के विचों श्री हरिमंदर साहब सचखंड में जल जाता। सो बेनती है साढ़े वालों कि इसकी साफ सफाई रखी जाए, साडा सहयोग दिता जाए, असी इस नहर की चंगे ढंग सेवा कर सकीए और सचखंड श्री हरिमंदर साहब जो जल जाता है उसकी पवित्रता को कायम रखिए। हौद देख रहे हैं इस हौद की की महत्वता है ताकि लोग संगत जी जान सकन कि यह हौद जरा है इतों पानी किमें जाता है। इसकी महत्ता यह है कि नहर के जो जल पहला जाली देख रहे हो जो इतने जो जाली देख रहे हो इस दे नाल इस दे विचों इस तो कोई 100-125 फुट की दूरी पर एक हौद नमूना जिन्होंने कि टैंक भी कहा जाता है वह अंदाजा उसकी लंबाई 180-185 फुट के करीब है, 55 फुट के करीब चढ़ाई है, वो डूंघाई 15 फुट के करीब है। एक देख रहे सब तो पहले इस हौद की असं गल करा इस हौद के एक मशीन लगी है वो की है जी पहला इतों जो जो इतने मशीन लगी है जो जिमें कि नहर के पानी आता है 2-3 दिन पहला इस दे विच पानी सारा अगर लंघ जाता जो साफ सुथरा पानी हो जाता पिछों बिल्कुल वेरीफाई साफ पानी आता है। उस तो बाद इन चाबी के नाल खोलिया जाता है ये चाबी तो खोलन के बाद यह पानी फिर टैंक के जाता है जी टैंक के
टैंक भी तुहानू असीं दिखा रहे हां, तुसीं देख सकते हो कि सामने जिहड़ी इक इमारत है इस जगह दे उत्ते पानी नू स्टोर किया जाता है। तो उस तो बाद इहदी सप्लाई जिहड़ी है हंसली के माध्यम नाल तकरीबन 9 किलोमीटर का एरिया बनता है उहदे तो सचखंड श्री हरिमंदर साहब नू कीती जाती है। तो असीं बाबा जी नाल चर्चा जारी रखांगे। तो बाबा जी, ये सारे काम की कार सेवा होगी? जी हाँ जी, नहर तो अलावा टैंक की हंसली के बिच दी और टैंक की टैंक तो बाद जी हंसली आ टोटल जी हरिमंदर साहब जाती है उसकी सारी की साफ सफाई होगी जी। इतों की जरा इस नहर को लैके हरिमंदर साहब सरोवर तकन किन्ने किलोमीटर का एरिया है? जेकर सीधे तौर पर वेखिए अंदाजा 6 किलोमीटर के करीब इतों श्री हरिमंदर साहब है, लेकिन हंसली टेढ़ी या दूजी साइड में जाती है आरामसर साहब जाती है, इसकी लंबाई 8.5-9 किलोमीटर के करीब बन जाती है जी। कि सरोवर की वंड की गई है जिते जिथे जिस इस पवित्र नहर का पानी जाता है? इतों एक तो सचखंड श्री हरिमंदर साहब दरबार साहब न कौलसर साहब, संतोखसर साहब जी, आरामसर साहब और विवेकसर साहब जी, इन्ह पंजा सरोवर इतिहासक पंजा सरोवर ही इतों जल जाता जी। तो बाबा जी, एक असी होर चीज़ देख रहे हैं कि इतने आना बड़ा आसान है, क्योंकि असी देख रहे हैं, असी तुम दिखा रहे हैं कि तुम देख सकते हो कि आराम नाल कोई भी व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि अगर कोई जाता है तो गंदगी फैलती है। तो ये आस पास बिल्कुल खुला है कि इन रोकने वास्ते की इंतजाम किए, क्योंकि अगर नहर की कार सेवा तुम करोगे बहुत सुचजे तरीके की जाएगी, लेकिन आस पास के एरिए किदा कंट्रोल किया जाएगा? साढ़े वालों बेनती है कि जो असी हम स्टैप चुके नहर की सफाई वास्ते, इस मैं सरकार ने भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बीबी जगीर कौर प्रधान जी ने भी और संगतान भी मैं बेनती करदा कि जिहड़ी शहर का जिथों भी अपना वल्ले तो लैके और इत्थे तारां वाले पुल तक अगर दो पासे तार जारी नमूना तार लगे, उस तो बिना इहदी गंदगी की सफाई का होने का कोई मुल नहीं, कोई मुल नहीं, ना सफाई हो सकती है, क्योंकि जो संगत ने और कोई तुम देख ही लियो कि फिर कुत्ते जां पशु या जानवर बड़े होंगे इतने चुनाव दिखा रहे हो, तुम देख सकते हो जिस तरह सामने एक डॉग है, तो तुम देखते हो वो किसी वेले अंदर भी आ जाता है तो गंदगी फैलाता है और किसी तरह की कोई इतने बाड़ नहीं है, कोई रोकने वास्ते कोई जगह नहीं है। तो इस बाबा जी, इनू रोकने वास्ते की किया? ठीक है, असं काम चंगा कर रहे, चंगा उपराला है कि नहर की कार सेवा होएगी, लेकिन इस नहर की कार सेवा तो अलावा भविख्य के किसी अंदर ना जान दिता जाए, किसी जिस तरह अभी धार्मिक गंदगी की गल करती, क्योंकि धार्मिक खास तो बहुत सारी चीज़ें अभी देख रहे हैं कि अगर समाज कितने वो नाल कुछ गलत गल हो जाती तो बहुत बड़ा बवाल मचता है, लेकिन लोग नहर च आकर सुट जाते हैं। तो असं ये चीज़ा देख रहे हैं, इन्हों रोकने वास्ते भविष्य किदा होएगा? ठीक है, एक बार तुम सफाई कर दोगे, दोबारा ना इस तरह की कोई चीज़ हो तो वास्ते की प्रयास किए जाएंगे, कि इनवाइट कर दो ताकि वो जिन्हें मदद कर? बेनती जी, अज तक ना किसी गुरमुख प्यारे ने, किसी शख्स ने, किसी प्रबंधक ने अज तक नहर के वल ध्यान ही नहीं दिता कि यदि सफाई वास्ते सवेरों गंदगी पाता है या इतने कोई डैमेज करता है पशु वाड़ता, किसी ने ध्यान नहीं दिता। ये पहली बारी महापुरखों के या सतगुरु की कृपा के नाल अरदास ने यह बीड़ा चुकया, जिनी देर असी दो पासे तार नहीं लगावेंगे उन्नी देर इतने यदि सफाई ना हो, सफाई करने तो बाद भी सफाई सदा रहने वास्ते नामुमकिन है। जे यदि सफाई रखनी है साड़ा संगतां वालों सानू सहयोग दिता जाए, असं यदि कोशिश करांगे माधोपुर तो लैके रस्ते सफाई करिए, लेकिन शहर के जिंदर दो पासे तार ना लगे यदि सफाई रहना नामुमकिन है। नामुमकिन है, तो सीधे तौर पर सफाई रहना नामुमकिन है दसा जा रहा है कि वास्ते जरा है हूँ लोड़ है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और प्रशासन मिलकर कार्य करे, क्योंकि ये जी नहर तुम देख रहे हो यह नहर जी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन है, क्योंकि सचखंड श्री हरिमंदर साहब न इतों जल जाता है। तो दूसरा जरा एरिया तुम देख रहे हो जी रोड देख रहे हो या जी यह रोड देख रहे हो ये जिम्मेवारी प्रशासन की है। तो सवाल है कि साडे मुल्क च अक्सर यही ही होंदा कि जिम्मेवारी तय करने कोई तैयार ही नहीं होंदा, हर बंदा कहिंदा जी मेरे एरिया तो इत्थों तक है, उस तो अगे मेरी जिम्मेवारी नहीं है, अगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तुसीं देख सकते हो प्रशासन की चीज़ है, तो अगे सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे नाल, लेकिन कलैक्टिव जिहड़ा है इहदे ते काम करन दी लोड़ है, क्योंकि जिनी देर कलैक्टिव काम नहीं होएगा बाबा जी उन्नी देर तक इस नहर नूं चंगे तरीके नाल साफ रख पाना नामुमकिन लगदा। जदों कार्यक्रम असीं करांगे, असी कार सेवा करने तैयार हाँ, कर भी रहे हाँ, असी असी खड़ गए इतने रोके असी काम करने तैयार हाँ सी, लेकिन जिनी प्रशासन दिलों और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिलों साड़ा साथ नहीं देंदी उन्नी देर की सदा बहार सफाई रहनी बड़ी मुश्किल है। अधिकारियों मिलोगे हूँ? असं अज तो बाद असी कोशिश करांगे, आपके मध्यम रहें भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्रशासन अधिकारियों डीसी साहब जी और दूजे को कुछ मिलेंगे
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਮ ਕਰਨੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਕਿਨਾਰਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰਹੇ। ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ ਤਨੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਗਾਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਢਲਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਜਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।